करल रोक एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार और आज का इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कोरल ड्रॉ के अंदर जो बेसिक लोगो होते हैं वो कैसे बनाएंगे, वो कंप्लीट इस वीडियो में मैं करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट्सअप लोगो, क्रोम लोगो या गूगल लोगो या फिर आईफोन का जो एप्पल लोगो होता है वो कैसे बनाएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर, बहुत ही आसान तरीके से मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप मेरा कोरल ड्रॉ के ऑल टूल्स जो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा टूल्स है, वो सारा टूल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में दे रखा हूँ, आप वहाँ से कंप्लीट पहले आप देख लीजिए पूरा टूल्स के बारे में, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त समझ में आएगा। तो चलते हैं कि ये सारा आप लोगो कैसे बनाएंगे, ऐसे मैं आगे और वीडियो लाते रहूँगा, लोगो कैसे बनेगा वो मैं कंप्लीट बताते रहूँगा। अभी मैं इस वीडियो में बेसिक लोगो बताने के लिए आया हूँ। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर व्हाट्सअप लोगो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ। सबसे फर्स्ट एक लेना है आपको गोल्ड सर्कल, ऐसे शिफ्ट के साथ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका एक परफेक्ट गोलाकार साइज में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद छोड़ देना है। नेक्स्ट आपको मूव टूल पर जाकर के, मीन्स कहा जाए तो यहाँ पर पिक टूल नाम है, फोटोशॉप में मूव टूल होता था, आप पिक टूल पर जाकर के इसको ऐसे मूव करके अपना जगह पे सेट कर लेंगे। पोल आइकन टूल पे जाकर के यहाँ पर आप एंगल 3 लिख देंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स एंगल साइड 3 कर लेंगे इसको ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद एक छोटा सा आप त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, और उसके बाद नेक्स्ट आपको चलना है पिक टूल और इस पर डबल क्लिक कर देना है, क्या डबल क्लिक और ऐसे मूव करना है ऐसे, ये देखिए ठीक है, ऐसे मूव कर लेना है, और मूव करने के बाद आपको डबल क्लिक करके ऐसे मूव कर लेना है, ये देखिए ऐसे कर लिया मैं, और यहाँ से ऐसे देख लीजिए, ओके। और इसको टोटल को ऐसे सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के बाद आपको चलना है कहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक नाम यहाँ पर है वेल्ज, ये आता कैसे है, तो वेल्ड नाम का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करके इधर रिबन में राइट क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टीज बार से हट जाता है, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज बार से आ जाता है, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि व्हाट्सअप का सिंबल बन गया। बट पूरी तरह से इसको इस तरह से कन्वर्ट कैसे होगा, तो देखिए बहुत आसान है, आप इसको ऐसा सिलेक्शन कर लेंगे और चलेंगे यहाँ पर, देखिए पेन टूल है, आप इस पर यहाँ क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ लाइन को कम से कम 60 ले लेंगे या फिर 8 ले लेंगे अपने अनुसार देख लेंगे, और कलर यहाँ से व्हाइट ले लेंगे, ठीक है। अभी व्हाइट फिलहाल ना ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप जो भी कलर भी छोड़ दें और ओके कर लेंगे। देखिए लाइन होता है उस तरह का हो गया। अब उसके ऊपर आपको फिर से लेना है रेक्टेंगल, और लीजिए ऐसे, ठीक है ऐसे कर लीजिए, और ये पूरा कॉर्नर के गोलाकार करना है, तो शेप टूल पर जाना है, और शेप टूल पर जाकर के इस पॉइंट पर ऐसे ले जाइएगा और क्लिक के साथ ऐसे राउंड करिएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि हो गया गोलाकार हो गया। अब कलर कैसे भराएगा, तो आप इधर देखिएगा कलर प्लेट है, इधर में जाकर के लेफ्ट बटन क्लिक कर लेंगे, ग्रीन आ जाएगा, बट यहाँ देखिए ढक गया ना, तो अरेंज में चलेंगे, अरेंज में जाने के ऑर्डर पर चलेंगे, और यहाँ से देखिए लिखा हुआ है सेंड टू बैक, ये देखिए आ गया। अब क्या करना है, लाइन का कलर यहाँ पे हम लोग को व्हाइट करना है, तो ये शेप पे क्लिक कर लेंगे, और इधर जा करके व्हाइट कलर पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका लाइन का कलर आ जाएगा, लेफ्ट क्लिक करने से अंदर आ जाएगा, बट हमको क्या करना है राइट क्लिक करना है, जिससे आपका ये देखिए इस तरह का बन के आ गया। बट इसको डबल क्लिक करके ऐसे मूव भी कर देंगे और ज़्यादा बेटर लगेगा। अब यहाँ पर देखिए सिंबल कैसे आएगा, ये सिंबल कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, जाना है आपको टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आया सिंबल कैरेक्टर, इस ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से चूज करना है आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चलना है इधर लास्ट की ओर, और यह विंडिक्स नाम का एक ऑप्शन होगा, ठीक है ये देखिए विंडिक्स नाम का, आप इसमें चलेंगे ये विंडिक्स 2 ले लेंगे 3 ले लेंगे, ज़्यादा भी ऑप्शन रहेगा 2 या 3, देखिए कुछ किसी ने ये देखिए यहाँ पर है क्या। अब इसको क्या करना है, मूव करते हुए इधर लाना है और डबल क्लिक करके ऐसे इस तरह का राउंड कर लेना है ऐसे, बट इसमें देख सकते हैं कि है क्या कि इसमें आगे इस तरह का निकला हुआ है, इसको हटाने के लिए इसको सेलेक्शन करके इफेक्ट में जाना है आपको अरेंज में, और ब्रेक कर्व टू अपार्ट करना है, और बाहर क्लिक करके एक बार इसको निकालना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बन के आगे आपका, ठीक है ये देखिए, और इसको मूव करके यहाँ लाएंगे और डबल क्लिक कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। इस डिजाइनिंग कहने का मतलब जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना परफेक्ट डिजाइन बनेगा। अब एक बार इधर से राइट क्लिक तो लाइन का कलर, लेफ्ट क्लिक तो अंदर कलर, तो देख सकते हैं बन के तैयार हो गया।
अगर इसको सेव करना है तो कैसे सेव होगा जी, इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ, इसको ऐसे सिलेक्शन करके अगर आपको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, और अपने पेज पर लाना है और लोगो बनाने के लिए आपको सेव करना है कहाँ, तो फाइल में मैं गया और यहाँ से देखिए सेव नहीं करना है आपको, यहाँ से इमेज में सेव करना है, तो एक्सपोर्ट पे जाना है और डेस्कटॉप पर जाकर के मैं यहाँ पर जेपीजी बिटमैप ले लूँगा और यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैं एक फोल्डर बना लूँगा। कैसे, तो बस यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ से देखिए न्यू पर लेफ्ट क्लिक और यहाँ से लोगो नाम से बना ले लिया, और यहाँ से जो भी नाम देना है जैसे व्हाट्सअप देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खोल लेंगे, यहाँ पर व्हाट्सअप नाम से मैं दे दिया, और यहाँ से एक्सपोर्ट देन, यहाँ पर साइज अगर चेंज करना तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। आप यहाँ से ओके, आप डेस्कटॉप पर जाकर के देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगो बन गया, ओपन करेंगे ये देखिए मस्त और ज़बरदस्त एक लोगो बन के तैयार हो गया। चलते हैं सेकेंड लोगो की ओर, देखिएगा क्रोम कैसे बनेगा, ठीक है, या फिर एप्पल कैसे बनेगा, पहले एप्पल को ले लेते हैं, एप्पल कैसे बनेगा से देख लेते हैं। तो उसके लिए फिर से आपको एक न्यू ग्राफिक पेज ले लेना होगा, ठीक है, और देखिए उसको सेप ढालने के लिए उस टाइप में करने के लिए देखिए पहले तो है गोल वाला है तो उसको लिए बनाना होगा, तो उसके लिए आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, गोलाकार एक सर्कल लिया ऐसे, और एक और मैं वापस ले लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, एक और मैं ले लिया यहाँ पर गोलाकार शेप ऐसे, और ये दोनों को हल्का कंबाइंड मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोनों को मैं कंबाइंड कर रहा हूँ, और ऐसे सेलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है वेल्ज नाम कहीं ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से देखिए इसको डबल करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा इस तरह का शेप में ढाल लेंगे, ठीक है, इसको ऐसा इस तरह का कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए उस तरह का टाइप का हो गया, बट अभी भी इसमें कुछ बाकी है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल तरीका है, बस आप यहाँ से चलेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है इलिप्टिकल, आप इसको ऐसे सेलेक्शन करेंगे और इसको चलेंगे यहाँ पर और इसको सेलेक्शन कर लेंगे फिर से वापस, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैक माइनस फॉन्ट, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए वो अपना जगह चला गया, ख़त्म हो गया, और ये देखिए कट के सामने आ गया। अब इसको करना क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पत्ता कैसे बनाना, देखिए पत्ता है ना, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप ऐसे लेंगे, ठीक है, और कंट्रोल डी करेंगे, और कंट्रोल डी करने के बाद आपको दोनों को ऐसे जिस तरह का पत्ता बनाना है दोनों को सर्कल ऐसे यहाँ मिला लेंगे, और दोनों को ऐसे सिलेक्शन करके आप यहाँ से ले लेंगे इंटरसेक्ट, और बाहर वाला लाइन को ऐसे क्लिक करके डिलीट, बाहर वाला लाइन को डिलीट, और आप देख सकते हैं कि इस तरह के बन के तैयार हो गया। ये देखिए सेकेंड लोगो भी बन के तैयार हो गया, इसको भी सेम तरीके से सेव करेंगे, ठीक है, इसको भी सेम तरीके से इसको सिलेक्शन करके बीच में लाएंगे, और आपको जैसा भी कलर का यहाँ देना है, जैसे मेरे को इसको देना है ग्रीन कलर का तो मैं ग्रीन ले लिया, इसको मेरे को देना है रेड कलर का तो मैं रेड ले लिया, अगर इसको इसको और ऐसे राइट क्लिक कर लेता हूँ वापस इस पर, देखिए हो गया। अगर इसको कंप्लीट लोगो में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं, इसको सिलेक्शन ऐसे कर लेना है और यहाँ से ऐसे ले लेना है, और ऐसे लेने के बाद बस सिंपल सी जवाब देना है शेप टूल, और यहाँ से ये देखिए, और जो भी कलर आपको फिल करना है इसके अंदर आप फिल करके अरेंज ऑर्डर शिंग टू बैक, आप देखिए ये लोगो बन गया सिंपल। उसी तरह से इसको भी सेव करना है, फाइल में जाना है एक्सपोर्ट, ये देखिए मैं फोल्डर को चूज कर रखा हूँ एप्पल, ठीक है, यहाँ से ले लिया मैं एप्पल, और देखिए एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से सेव करता हूँ और ओके ये भी सेव हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड लोगो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रोम है, क्या है क्रोम। अब क्रोम कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं, उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर से न्यू एक पेज ले लेता हूँ, और देखिए क्रोम बहुत ही आसान ये भी है। सबसे फर्स्ट आपको शिफ्ट के साथ ऐसे एक सर्कल लेना है, ऐसे देखिए सर्कल मैं ले लिया, सर्कल लेने के बाद आपको बीच में ऐसे रखना है, और कीबोर्ड से आपको प्लस बटन प्रेस करना है, कौन सा प्लस, प्लस करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऐसा एरो बनेगा, एरो बनेगा, उसके बाद शिफ्ट, देखिए यहाँ ध्यान से एरो, और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा करके अंदर की ओर ऐसे मूव करेंगे, और आप देख सकते हैं कि ऐसे बन गया। आप पहले छोड़ेंगे लेफ्ट बटन, उसके बाद शिफ्ट बटन को छोड़ेंगे जो होल्ड करके रखे हुए थे। अब करना क्या है आपको, यहाँ से ले लेना है यहाँ से पेन टूल, या फिर ले लेंगे यहाँ पर से बेंजियर टूल, जो यहाँ देख सकते हैं पेन टूल या बेंजियर टूल, और उसके बाद यहाँ से ऐसे क्लिक कर लेना है, और एक बार यहाँ से ऐसे लाइन बना लेना है, देन आपको दूसरा टूल पे क्लिक करके वापस इसी पे जाना है, पैसे कर लेंगे ए लोगो, देन आपको दूसरा टूल फिर से उसी पे, और यहाँ से ऐसे, और ये देखिए ऐसे,
अब कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा स्मार्ट फिट टूल पे, और स्मार्ट फिट टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये आपका कलर आ गया। एक कलर कैसे आता है, तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से प्रॉपर्टीज बार हटा देंगे तो हट जाएगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज बार पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जी, ये शेप फिल से फर्स्ट में आपको रेड लेकर के आउटलाइन को नो रखना है और ऐसे क्लिक, देन आपको यहाँ पर येलो कलर ले लेना है, देन आपको यहाँ पर ग्रीन कलर लेना है। ये देखिए अब अंदर वाला जो लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर व्हाइट है, तो आपको यहाँ से ब्लू कलर हल्का फिल करके और यहाँ से ले लेना है स्पेसिफाई, और आउटलाइन के यहाँ पर मोटाई 8 लेकर के व्हाइट ले लेंगे यहाँ पर और ऐसे ओके करेंगे इसमें। देन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बन के लाइन को ऐसे क्लिक करके डिलीट कर लेंगे और देन देख सकते हैं कि बन के तैयार हो गया। अब इसको भी सेव कर लेंगे उसी टब से, यहाँ से मैं देख सकते यहाँ जैसे कि मैं इस तरह का ले लिया और इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह का, और लो आप यहाँ पर से कलर ले लो, ठीक है, जो भी कलर पसंद पड़ता हो। और मैं अरेंज में जा करके ऑर्डर बैक कर लिया और यहाँ से जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं इस तरह के, ये बन के तैयार। सेम आप यहाँ भी सेव करेंगे एक्सपोर्ट, यहाँ से ले लेंगे क्रोम, ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट और यहाँ से ओके ओके, ये बन गया। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर लोगों क्या बचा हुआ है जी, जीमेल कैसे बनेगा, तो उसके लिए भी मैं एक पेज ले लेता हूँ फिर से, और यहाँ से मैं यहाँ इसको ऐसे रख दिया। और यहाँ देखिएगा तो ऐसे तरीका दो है, फर्स्ट तरीका क्या है कि जैसे आप यहाँ से चलेंगे, दो तरीका है उसमें से हम फर्स्ट हम लोग तरीका ये करेंगे कि चलेंगे टेक्स्ट पे और यहाँ सिंबल जाएंगे और यहाँ से बढ़िया सा कोई फॉन्ट देख लेंगे, कोई बढ़िया से यहाँ से फॉन्ट देख लेंगे कि जी किस टाइप के है, ऐसे खींच के लाएंगे और ऐसे बड़ा छोटा करके देख लेंगे। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि देखिए यहाँ पर राउंड नहीं है, यहाँ पर भी राउंड नहीं है, और यहाँ पर राउंड है और यहाँ पर राउंड नहीं है, तो ये परफेक्ट नहीं बनेगा। मैं एक तरीका और बताता हूँ कि कैसे परफेक्ट बनाया जाए। आपको करना क्या है कि एक सर्कल ले लेना है, सर्कल लेने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, आर्क पे, आर्क पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेकर चलना है ऐसे, ठीक है, ऊपर बाहर बाहर देख लाइन से को बाहर, और इसको ऐसे, ठीक है, ले लीजिए ऐसे। नेक्स्ट आपको प्लस प्रेस करना है, मूव टूल पे जाने के बाद प्लस कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से प्लस प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से बनेगा ये रो, यह देखिए, और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा अंदर ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा अंदर, ठीक है, थोड़ा सा अनुमान से अंदर हो गया। पहले छोड़ेंगे लेफ्ट बटन और शिफ्ट बटन छोड़ देंगे, देन अब आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह का है बना हुआ यहाँ से ये वाला, तो ये वाला लाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से एक ले लेना है आपको सर्कल, यहाँ से रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को ऐसे बड़ा सा ऐसे ले लेना है, ठीक है, ऐसे बड़ा सा ले लेंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लीजिए, यहाँ से ऐसे बड़ा ले लेंगे, ध्यान से समझिएगा, ऐसे हल्का मोटा कर लेंगे, ऐसे ज़्यादा भी नहीं, ऐसे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उस तरह का बन रहा है, देखिए यहाँ पर। अब उसके बाद करना क्या है, चलना है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा कि सेप टूल पे जा करके आपको इस पर क्लिक करना है और इसको पूरा बढ़िया से ऐसा सटा लेना है, ये देखिए ऐसे। अब उसके बाद देखिए लाइन ए डिलीट करना है और ये डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ वर्चुअल सेगमेंट डिलीट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और ये बाहर वाला लाइन को ऐसा सेलेक्शन करना है, देखिए डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, देखिए ए डिलीट हो गया। अब बढ़िया तरीके से देख लेना है कि आपका ये लाइन बाहर निकला हुआ ना हो, अगर निकला हुआ है तो जूम कर लेंगे ऐसे बढ़िया से और इसको ऐसे सटा लेंगे, ठीक है, ऐसे। अब इसको कैसे करेंगे, ढकेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, आपको चलना है लाइन टूल यहाँ पर चलना है और यहाँ से लाइन ले लेना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और एक बार ऐसे क्लिक कर लेना है, और ध्यान दीजिए कि ये ढका हुआ रहे, लाइन बंद रहे, देखिए लाइन बंद नहीं ना है, तो ये बंद नहीं है तो आपको दिक्कत करेगा, इसीलिए इसको बढ़िया से ऐसे ये कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलना है आप फिर वापस से इसी तरह से, और कलर देख लेना है, जहाँ देखिए इस तरह का कलर है तो आपको यहाँ पर क्लिक और यहाँ से ऐसे क्लिक, फिर यहाँ है तो दूसरा टूल, फिर से वापस इसी पे और यहाँ पर क्लिक और यहाँ से क्लिक ऐसे, देन आपको फिर से दूसरा टूल और फिर से इसी पे और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे कर लेना है। अब कलर की ओर जाना है कहाँ पर, तो ये चलना है सेप फिल जो है स्मार्ट फिल, उस पर जाना है और आपको क्या करना है, कलर को ऐसे यहाँ से तो नो ही रखना है क्योंकि एक आउटलाइन कलर इसमें नहीं है,
रेड पर चलना है, यहाँ से रेड ले लेना है और यहाँ से हल्का रेड हो या गुलाबी हो जो भी है ऐसे, ठीक है। अपने अनुसार अगर कलर इसमें नहीं मिलता आपको, ठीक है, जो चाहिए कलर वो नहीं मिलता, तो आप अदर पर जा करके यहाँ से जो कलर चाहिए आप यहाँ से ऐसे कैसे करके ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको पीला कलर अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो आप वहीं पर जा करके कलर को भी एक ढूंढ लेंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट आपको यहाँ से देखिए कलर अपने अनुसार देख लीजिएगा कोई जो भी कलर हो। नेक्स्ट आपको यहाँ से ग्रीन कलर चाहिए, ग्रीन कलर देख लीजिएगा यहाँ से और यहाँ से ऐसे ब्लू, ब्लू कलर ले लेंगे, ले लीजिए। बट अब देखिए कि ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कर रहा हूँ तो क्यों हो रहा है, तो आप जूम करके देखिएगा कि यहाँ लाइन फटा हुआ तो नहीं ना है, ये देखिए हल्का सा, ये देखिए नहीं है। तो इस लाइन को आपको क्या करना है, इसको पकड़ के और ऊपर की ओर लाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये लाइन को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे बाहर, मिस ये मिला हुआ रहना चाहिए। और यहाँ देख लेंगे एक बार कि इधर तो जो है ना, ठीक है, ऐसे देख लेना है ये वाला लाइन, ठीक है। अब हो जाने के बाद आपको कलर फिल करना है वापस इसी पर जा करके और ऐसे, ठीक है, हो गया क्या। अब आपको लाइन को सबको डिलीट कर लेना है इस तरह से, ये देखिए सारे लाइन को डिलीट कर लेना है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बन के तैयार हो गया। आप कलर फिल करने के लिए बस सिंपल तरीका है, ऐसे जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पर कलर फिल हो गया, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक लेना है, ब्लैक में ले लिया, इसको अरेंज, सेंड टू बैक, येलो बैक, हो गया क्या। तो सिलेक्शन करके फिर वापस से सेव कर लीजिए, करके सेव कर लेंगे, ठीक है, JPG और गूगल नाम के रख देंगे यहाँ से और यहाँ से ओके ओके। अब देखिए ये सारा बन के तैयार हो गया, आप देख सकते कि मैं अभी आपको फिलहाल इतना लोगो बनाने के लिए बताया, इस तरह से ये देखिए सारा लोगो बन के तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर बताया वो सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो में फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, किसी और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।